Assalam-o-Alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by steps AutoCAD उर्दू जुबान में सीख रहे हैं. Dear students, इस lesson के अंदर मैं आपको एक बहुत ही अहम topic के पर काम करके दिखाई दूंगा. Basically dear students, आज का जो हमारा lesson है वो plotting के बारे में है. Plotting से क्या मुराद है, देखें dear students, नाम से जाहिर है plotting. जब आप लोग मैप बनाते हो, सेक्शन बना लेते हो, एलिवेशन बना लेते हो, लेकिन जब तक आप प्लॉटिंग नहीं कर सकते हो तो आपका काम ठीक नहीं हो सकता. क्यों? जो भी आप मैप बनाते हो, अपना प्लान रेडी करते हो, वो आपको किसी ना किसी एरिया के लिए करना होता है, किसी प्लॉट के लिए करना होता है, किसी जमीन के टुकड़े के लिए करना होता है. अब जब तक आपके पास उस जमीन के टुकड़े की ओरिजिनल वैल्यूज नहीं है, यानी कि ठीक वैल्यू नहीं है, तो आप प्लॉट बना ही नहीं सकते हो, डिजाइन कर ही नहीं सकते हो. ठीक है, तो इस चीज को समझना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है. बेसिकली होना तो ये चाहिए था, पहले मुझे आपको प्लॉटिंग दिखानी बतानी चाहिए थी, देन मैं आपको मैप्स के ऊपर लेके जाता. लेकिन अभी आप मैप्स बनाना सीख चुके हो, सेक्शन बनाना सीख चुके हो, एलिवेशन बनाना सीख चुके हो, तो अब मैं आपको प्लॉटिंग बताने जा रहा हूं. तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन को बड़े आप गौर से देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद फिर उसको प्रैक्टिकली भी करने की कोशिश कीजिएगा. प्रैक्टिकली से मेरा कहने का ये मतलब है, आप अपने दाएं बाएं पड़ोस में या किसी कॉलोनीज में जो खाली एरिया पड़ा हो जमीन का, वहां की जाकर आप मेजरमेंट करें और उसके बाद उसको वही वैल्यू अपने पास नोट करके AutoCAD को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा, जैसे मैं अभी आपको मेथड बताने जा रहा हूं. ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिकल करने के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको जस्ट सिस्टम के ऊपर काम करके दिखाई दे सकता हूं, अदरवाइज आपको खुद काम करना होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी कुछ यहां पर प्लॉट्स बनाकर रखे हुए हैं, आइए मैं आपको वो प्लॉट दिखाता हूं और उनके ऊपर काम करने का मेथड बताता हूं. तो स्टूडेंट्स, ये रहे वो फाइल्स, वो प्लॉट्स जो मैंने इधर लाए हुए हैं. सबसे पहले मैं कंफर्म कर लेता हूं मेरे यूनिट्स, ठीक है, डाइमेंशंस को मैं कंफर्म कर लेता हूं. मेरी डाइमेंशंस भी परफेक्ट होनी चाहिए, यानी कि जो इनपुट रखें वही आउटपुट भी रखें आप, और डिम स्केल को भी मैं कुछ बढ़ा देता हूं, नियर अबाउट 8 फिट्स कर देता हूं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे मेरे पास प्लॉट. देखें, हमारे पास कुछ प्लॉट इस किस्म के होते हैं, डिम स्केल मैंने इसको दे दिया 12 फिट्स, डिम स्केल इसको देता हूं तकरीबन 24 फिट्स कर देता हूं. मैं अपडेट पे क्या सिलेक्शन दे दी, मैंने इसको अपडेट कर दिया, ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास कुछ प्लॉट इस किस्म के होते हैं, जो देखें यहां से भी ये 50 फिट्स है, इसके बिल्कुल नीचे आ जाएं इधर से भी ये 50 फिट्स है, और इस तरफ भी मेरे पास ये 75 फिट्स है, और इस तरफ भी मेरे पास 75 फिट्स है. अब ये शेप बनानी हो आपने तो ये तो आप बड़ी आप इजी से बना लेते हो. चलें कोशिश करते हैं ये शेप बनाने की. आप लाइन उठा लें, पॉइंट दें, माउस को आगे की तरफ लेकर जाएं, जो वैल्यू इधर लिखी हुई है, जैसे ये थी 50 फिट्स, एंटर कर दें आप इसे, और इस तरह से 5 फिट, सॉरी इंटर हो गया था, 50 फिट इंटर कर दें, इस तरह से नीचे की तरफ निकल जाएं, F8 प्रेस कर दें, आपके पास वैल्यू आ रही है 75 फिट की आ रही है, आपने 75 की वैल्यू ले लेनी है, इधर आपके पास आ जाता है ये आपके पास 50 फिट की वैल्यू आ गई है, और क्लोज कर दें तो आपके पास आपका ये प्लॉट बन जाएगा. इस तरह से अगर मैं ये वाला प्लॉट बनाना चाहूं तो ये भी आपके पास मोर इजी है. इसके मुताबिक आप बॉक्स से भी बना सकते हो, लाइन से भी बना सकते हो, आपके पास क्या है, हर तरफ 50 फिट्स की वैल्यू है, 50 फिट्स, 50 फिट्स, 50 फिट्स और 50 फिट्स, यानी कि आप इसको हर तरफ 50-50 फिट्स की वैल्यू देकर ये बॉक्स बना लेते हैं. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं ये आपको बताता चलूं, हमारे यहां ऐसे प्लॉट बहुत कम देखने में आते हैं, रियली बहुत कम देखने में आते हैं. चंद गिने चुने ऐसे, एक कॉलोनी में चंद गिने चुने ऐसे प्लॉट होंगे जिनकी वैल्यू इस तरह की होगी, यानी कि या दोनों तरफ इक्वल होंगे या चारों तरफ इक्वल होंगे.
लेकिन लेकिन प्रैक्टिकली जो भी आपको प्लॉट्स मिलते हैं वो कुछ इस शेप्स में मिलते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ शेप्स ड्रॉ की हुई हैं, तब देखें ये लाइन कुछ यहाँ से सीधी है, इधर से टेढ़ी है, इस तरह से टेढ़ी है, इधर से टेढ़ी है, इस तरह से। अब देखें नीचे दोनों लाइनें ऊपर नीचे वाली सीधी हैं, लेकिन दाएं बाएं वाली टेढ़ी आ रही है। सेम यहाँ पर देखें कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें आ रही हैं, अगेन देखें। और यहाँ पर आ जाएं, ये तो प्लॉट की शेप भी बिल्कुल अजीब गरीब नजर आ रही है आपको। अब मसला क्या है, हमें प्रैक्टिकली कुछ इस तरह के प्लॉट्स मिलेंगे। अब इन प्लॉट को मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, मैं कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले तो आप ये समझ लें, आप एक जमीन के ऊपर चले गए हो। जमीन से मतलब मेरा समझ गए होंगे आप, ये नहीं के मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, आप ओरिजिनल इसकी प्लॉटिंग करने जा रहे हो। फर्स्ट करें, आपको दिखाया जा रहा है हमारा ये प्लॉट है, इसको हमने बनाना है, तो अब आप इसकी मेजरमेंट लेनी है। आपको बताया जा रहा है ये आपका प्लॉट है जी, ठीक है, जिनके लिए आप डिजाइन बना रहे हो उन्होंने कहा है जी ये आपका प्लॉट है, इसको हमने डिजाइन करना है, अब आपने क्या करनी है, इसकी मेजरमेंट करनी है। यहां पे सारा लॉजिक प्लॉट की मेजरमेंट तक है। अगर आपने प्लॉट की मेजरमेंट ठीक निकाली, डायमेंशन इसकी ठीक निकाली है, तो फिर आपके पास ऑटोकैड के अंदर ये परफेक्ट ड्रॉ होगा। अगर आप इसकी वैल्यू ठीक नहीं निकाल सकते हो तो फिर कभी भी आपके पास परफेक्ट ड्रॉ नहीं होगा। अब ये काम कैसे किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, इस चीज को समझे। फर्स्ट करें, आप चले गए हो, आप जैसी गाड़ी से उतरे हो, आपको बताया गया ये आपका प्लॉट है, ठीक है। अब इस प्लॉट में सबसे पहले तो आपने फ्रंट डिफाइन करना है, आपके पास आपका फ्रंट कौन सा है। तो मैं अपने फ्रंट के आगे एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरा फ्रंट है, यहां पे आप बिल्कुल ये आपका फ्रंट आ चुका है। अब इस ये आपका प्लॉट है। अब मसला क्या है, इस प्लॉट की मेजरमेंट कैसे निकालनी है आपने। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देखना है इस प्लॉट का बिल्कुल सीधा एरिया कौन सा आ रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन कौन सी आ रही है, बिल्कुल सीधी ये कहां से आ रहा है, लेफ्ट राइट सेंटर जिधर से भी हो। मैं अभी आपको बताऊंगा एक ऑप्शन यहाँ पे, जहां पे बिल्कुल टेढ़ा मेरा प्लॉट है, इसको कैसे मैंने परफेक्ट मेजरमेंट करनी है। बहरहाल यहाँ पे बिल्कुल ये सामने वाला जो एरिया है वो आपके पास आपका सीधा है। देन आपने करना क्या है, आपके पास जो बंदे होंगे नाप हथौड़ी के लिए आप करोगे, आप एक यहाँ पे कोई चीज गाड़ देंगे जमीन पे, और कोई सरिया यहाँ पर भी आप गाड़ दें, इस तरफ भी गाड़ दें, इस तरफ भी गाड़ दें, यानी कि आपके पास चार कॉर्नर्स आ रहे हैं, उन कॉर्नर्स पे जो आपको बताए जा रहे हैं उन कॉर्नर्स पे आपको अच्छी तरह से कोई चीज गाड़ दें, सरिया वगैरह, कोई लकड़ वगैरह लगा दें, जमीन के अंदर लगा दें, कुछ चीज कर दें, लेकिन हो मजबूत। अब करना क्या है, एक बंदे को आप इधर खड़ा करो, दूसरे बंदे को इधर खड़ा करो, दोनों तरफ को खड़ा करने के बाद आप इसकी मेजरमेंट करें। आपके पास जो मेजरमेंट आप टूल लेके जाएंगे, आपके पास फीता होगा, इंची टेप होगा, जो भी आपके पास शेप है उसके थ्रू आप उसकी मेजरमेंट करें। कोशिश करें जब आप इसको नापने लगें इसमें ढीलापन ना आए, आप इसको फुल खींच के रखेंगे अपने टूल्स को। अब मैं इसकी वैल्यू फर्स्ट करें, ये मेरे टूल है, मैंने यहां पर कंफर्म कर लिया मेरे पास इधर ये वैल्यू कितनी आ रही है। मेरे पास यहां पर वैल्यू आ रही है 54 फिट्स एंड 6 इंच, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 54 फिट्स एंड 6 इंच। अब आपने क्या करना है, इसको अपने पास नोट कर लें। नोट करने के लिए आपके पास एक कागज का छोटा सा टुकड़ा भी हो तो बेहतर है। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं यहां से ड्राइंग निकाल लेता हूं, पेंट उठा लेता हूं। आपको ये बताना बताना चाह रहा हूं, इसको अगर मैं नोट करूंगा तो कैसे नोट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास ये है, आप एक सीधी से अपने पास इधर लाइन लगाएं, देखिए जैसे कि मैंने लगाया। अब टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, जहरी सी बात, आप हाथ से ड्रॉ कर रहे हो और यहां पर आप टाइप कर दें, हमारे पास ये निकला कितना 54 फिट्स एंड 6 इंच, जो भी आपके पास वैल्यू निकली है। देन आपने क्या करना है, वापस आप इधर आ जाएंगे। अब आप इसकी दूसरे कॉर्नर की वैल्यू उठा लें मेरे पास, और ये एलेजेंट का यूज करेंगे। मेरे पास जो वैल्यू यहां पर बन रही है वो बन रही है 49 फिट्स एंड 9 इंच। अब आप क्या करें, देखिए ये शेप थोड़ी सी इस तरफ को टेढ़ी हो रही है, तो थोड़ी सी आप भी अपने पास, आपको जस्ट कंफर्म होना चाहिए कि ये शेप मेरे पास थोड़ी सी टेढ़ी थी। तो आप क्या करें, यहां से एक लाइन, ठीक है, सॉरी मैं पेंट के ऊपर इतना काम नहीं करता हूं, ये थोड़ा बहुत मुझे मुश्किल पेश आ रही है। बहरहाल आप इधर भी टाइप कर देंगे 49 फिट्स एंड 9 इंच, जो भी है। देन आप कंफर्म करेंगे इधर की वैल्यू, मैं आप इधर की वैल्यू को कंफर्म कर देता हूं। मेरे पास यहां पर जो वैल्यू बन रही है वो 53 फिट्स बन रही है। तो अपने पास आप जो आपके पास कागज वगैरह होगा
आप एक और लाइन ऐसे लगा दें, बेशक टेढ़ी भी हो। बेसिकली आपको जस्ट एक छोटा सा हल्का सा डिजाइन बनाना है और उसके थ्रू कंफर्म कर देना है आपके पास वैल्यू क्या बन रही है। अब मैंने ये एंड वाली लाइन लगा दी है और मैं यहां से कंफर्म कर लेता हूं मेरे पास एंड की वैल्यू क्या बन गई है, 40 फिट्स बन गई है। और अपने पास आप यहां पर भी 40 फिट्स की वैल्यू नोट कर देंगे। अब ये तो रही डियर स्टूडेंट्स आपके पास आपके पेपर पे वैल्यू। अब मसला क्या होता है, जो लोग फ्रेश होते हैं वो क्या करते हैं, ये वैल्यूज लेकर चले जाते हैं, लेकिन इन वैल्यूज की बेस पे काम नहीं होता। यहां पर आपको एक और एक्स्ट्रा वैल्यू चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं डायगनल। अब जब तक हमारे पास डायगनल नहीं होगा उस वक्त तक हम ऑटो कैड के अंदर प्लॉटिंग नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप ऑटो कैड के अंदर जो फाइल लाएंगे, जो वैल्यूज पुट करेंगे, उसमें डायगनल का होना बहुत ही जरूरी है। अब डायगनल कैसे लिया जाएगा, आपने ये चारों कॉर्नर की वैल्यू ले ली है। अब अगर आपके पास ये फोर कॉर्नर हैं, याद रखिएगा यहां पर मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर आपके पास चार कॉर्नर हैं, फोर साइड हैं, तो फिर आप ये काम कर सकते हो। आप अपने पास एक एलेजेंड उठाएंगे एक कॉर्नर से, दूसरे कॉर्नर के अपने पास आप वैल्यू उठा लेंगे। अब मैंने क्या किया, यहां से यहां की वैल्यू उठा ली है और ये मेरे पास क्या बन रही है वैल्यू, 72 फिट्स एंड 1 इंच। अब आपने क्या करना है, अपने पास यहां पे जहां से आपने ये ली थी वैल्यू बिल्कुल इस तरह की एक लाइन लगा दें और ये जो वैल्यू है आप अपने पास कहीं भी टाइप कर दें। जैसे मैं यहां पर टाइप कर देता हूं ये 72 फिट्स एंड 1 इंच के आप इधर यहां पे वैल्यू दे देंगे। तो ये आपने क्या किया, बेसिक्स अपने पास वैल्यू अपनी रिकॉर्ड कर दी है। अभी आपके पास आपकी रीडिंग्स हैं, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप यही प्लॉट सेम टू सेम अगर आप बनाना चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं सेम टू सेम इसी प्लॉट को बनाकर आपको दिखाई देता हूं। मेरे ख्याल में अब मुझे बार बार पेंट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं आपको किन किन वैल्यू का ख्याल रखना है। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं आपको इधर ड्रॉ करके देता हूं क्योंकि वैल्यू ऊपर मेरे सामने है और मैं प्लॉट नाप रहा हूं। यहां पे मैंने जस्ट इसलिए प्लॉटिंग ऑलरेडी कर कर रखी है आपको कंफर्म हो जाए, आपको मालूम हो जाए जब आप प्रैक्टिकली मैप को नापने जाएंगे, किसी प्लॉट को नापने जाएंगे, उसमें आपने क्या करना है, एक बंदा इधर खड़ा होगा, एक इधर होगा, एक इधर, हर तरह से वैल्यू लेने के बाद फिर एक बंदा इधर खड़ा हो, इधर इसी क्रॉस में वैल्यू लाजमी लेनी है आपने डायगोनल, या आप इधर से भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है लेफ्ट और राइट। तो आप जिधर से भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। लेने के बाद अब आप इधर आ जाएं वापस, यहां पे सबसे पहले तो मैं नीचे वाली लाइन ड्रॉ करूंगा जो सीधी आपके पास होगी, वो क्या आपके पास 54 फिट्स एंड 4 इंच, 54 फिट एंड 6 इंच, F8, मैंने कहा 54 फिट्स एंड 6 इंच की मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। कंट्रोल एस कर दें, साथ साथ अपने आप काम को सेव कीजिएगा, आपके पास ये काम सेव हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स आपने देखना यह है जो पेंट में आपने वैल्यू ली थी वो क्या थी, 54 फिट्स एंड 6 इंच, वो तो मैं इधर ले चुका हूं, लेकिन अब एक तरफ मेरे पास है 40 फिट्स, दूसरी तरफ मेरे पास है 49 फिट्स, ऊपर की तरफ है मेरे पास 53 फिट्स। अब मैंने ये क्या करनी है, इधर अपने पास ड्रॉ करनी है। अब अगर मैं 49 फिट्स है, देखें अगर 49 फिट्स को मैं यहां से कुछ F8 को मैं अगर ऑफ कर दूं, कुछ ऐसे वैसे लगाने की कोशिश करूं, तो ये तो आप गैस कर रहे हो क्योंकि आप इधर 49 लगाओ इधर लगाओ, जिस तरफ आपका माउस होगा डेफिनेटली 49 की लाइन तो इधर जानी है, लेकिन प्रैक्टिकली शेप में और आपकी शेप में बहुत फर्क आ जाएगा। जो ओरिजिनल में से शेप है उस शेप में और आप जो शेप प्लॉटिंग करने जा रहे हो उसमें जमीन आसमान का फर्क निकल कर आ जाएगा। तो बेहतर ये है आपने करना क्या है, जो उसका मेथड है वो है, क्या है, आपके पास ये 49 फिट्स बनता है आपने, या आप 40 फिट्स है, आप इसको लाइन ड्रॉ नहीं करोगे यहाँ पे। अब यहां पर जो काम किया जाएगा वो सर्कल की बेस पे किया जाता है, आपको सर्कल लगाने हैं। अब सर्कल लगाएंगे तो आपके पास क्या होगा, वैल्यू निकल कर आ जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब मैंने वैल्यू कौन सी चूज करनी है, अब इस चीज का मुझे इंतखाब करना है, क्या मैं 40 फिट्स वाली को पहले लगाऊंगा, 49 को पहले लगाऊंगा, या 53 को लगाऊंगा। आपके पास ये तीन वैल्यूज हैं। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो आपकी बेस लाइन आपने बनाई है, जैसे मैंने अपने पास ये बेस लाइन छोड़ी क्योंकि ये बिल्कुल सीधी लाइन थी जिसका होना बहुत जरूरी होता है आपके पास प्लॉट के अंदर, अगर नहीं है तो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको इस मैप के अंदर बताऊंगा। बहरहाल मेरे पास ये सीधी है। अब आप वो लाइन पहले ड्रॉ करोगे जिसके ऑपोजिट आपने डायगनल लिया हुआ है। डायगनल मेरे पास ये है, मेरा ये चीज जो मैंने यहां से मिडल से ली थी, अब ये जो है इसका ऑपोजिट ये साइड आ रही है, ये इस तरफ को निकल रहा है, तो मुझे ये साइड उठानी होगी। अब ये मैं नहीं बना सकता हूं, इस साइड को मैं नहीं बना सकता हूं इसके लिए, तो डायगनल के लिए आपको बस उसके ऑपोजिट जाना है।
तो ये साइड इसके लिए मेरे पास परफेक्ट है, तो मैंने अब ये लेना है। ये हमेशा बस याद रखेगा लॉजिक, आप जब भी ये डायगनल लेते हो आपको अपोजिट जाना होता है, यानी कि मेरे पास डायगनल इधर से लिया गया है, यहां से ऊपर की जानब या ऊपर से नीचे की जानब, लेकिन इसके अपोजिट ये शेप आ रही है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि इसका कॉर्नर इसको टच कर रहा है ना ऊपर वाला, तो आप 49 फिट्स एंड 9 इंच को उठाएंगे। आप सर्कल उठाओगे, आप इसके एंड पे आ जाओगे, यहां पे क्लिक कर दें और रेडियस बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है 49 फिट्स एंड 9, इंटर आप कर दें, आपके पास क्या होगा, एक सर्कल ड्रा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं इस लाइन को क्या करूंगा, दाएं बाएं किधर लगाऊंगा। नहीं, आपने करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस डायगनल को उठाएंगे। अब डायगनल के कहां से लिया गया था, एक बंदा इधर खड़ा हुआ था, दूसरा ऊपर की तरफ गया था, ऊपर वाली लाइन तो एक तरह से आ चुकी है, नीचे के लिए आपने क्या करना है, 72 फिट्स एंड 1 इंच का जो डायगनल था वो आपने सर्कल उठाना है, अगेन इधर एंड पे आ जाना है, यहां पर आने के बाद 72 फिट्स एंड 1 इंच आई थिंक, यस। तो जैसे मैं इसे एंटर कर देता हूं, देखिए मेरे पास क्या हुआ, ये सर्कल ड्रॉ, दो सर्कल ड्रॉ करा चुके। अब जिधर ये दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि लाइन उठाएं, जहां पर एक दूसरे को क्रॉस बना रहे हैं वहां पे क्लिक कर दें और वैल्यू की कंफर्म कर लें, आया 49 फिट्स की, 49 फिट्स और 9 इंच की लाइन बन रही है, देखें बिल्कुल बन रही है। तो मींस अब हमारा एंगल बिल्कुल वही है जो कि ओरिजिनल साइड पे है, जो हमारा साइड में वर्क हो रहा है, हम बिल्कुल उसके मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं। अब ये काम हो गया, अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, 53 फिट्स है, तो आपने क्या करना है, अगेन यहां पर आ जाएं, एक सर्कल उठा लेंगे ऊपर की तरफ, यहां से फिर से कह देंगे 53 फिट्स। अब डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स, आपकी कॉमन सेंस की बात है, अब एक ही वैल्यू रह चुकी है, वो क्या है, 40 फिट्स की। तो अब वापस सर्कल उठाएंगे सी, और वापस उसी डायगनल्स पे जाएंगे, देखा जहां से आपने डायगनल्स लिया था तमाम वैल्यू वहां से कंट्रोल की जा रही है, तो इसलिए बहुत जरूरी है। 40 फिट्स की वैल्यू लगा दें आप इसे, मैंने 40 फिट्स की वैल्यू लगा दी है। अब आप देखें आपके पास ये पॉइंट है और आपके पास ये इधर क्रॉस कर रहा है, और इस वैल्यू को अगर आप कंफर्म कर लें तो बेहतर है। तो मेरे पास ये 40 फिट्स निकला, मेरे पास अब देखिए मेरे पास यहाँ पर 1 इंच की प्रॉब्लम आई है। बेसिकली अब हुआ क्या है, यहाँ पे जो आपने बीच वाली लाइनें लगाई हैं, यहाँ पर 1 इंच का फर्क है, तो इसको हम कवर करते हैं। अभी आप क्या करें, लाइन उठाएं, आपने ये पॉइंट उठाया और बिल्कुल इधर आ जाए, और वापस आप इस जगह पर देखा, ये वो पॉइंट्स का फर्क था, वापस आप इधर आ जाएं डियर स्टूडेंट्स, और आगे की तरफ निकल जाएं यहाँ पे। अब मैं इस वैल्यू कंफर्म कर लेता हूँ, तो देखें मेरे पास ये वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट आ चुकी है, देखा आपके पास। अगर आपके पास थोड़ी सी पॉइंट की वैल्यू गलत आ रही होगी तो आपकी शेप ये गलत ड्रॉ करा जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, आप इसकी तमाम वैल्यूज को ले लें, तो देखें परफेक्ट सेम टू सेम मेरे पास वही वैल्यू बनी हुई आ चुकी है। बस आपने ख्याल इस बात का करना है, आपने डायगनल्स वगैरह आपने ठीक ली हुई हो, जब तक आपके डायगनल्स ठीक नहीं होंगे तो आपका काम ठीक तरह से नहीं हो सकता। कंट्रोल एस कर लें। इसी तरह से मैं एक और प्लॉट ले लेता हूं, मैं ये वाला प्लॉट उठा लेता हूं। अब मुझे इस प्लॉट की डायमेंशन को पहले कंफर्म करना है, फिर मैंने इसको अपने पास ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। तो आए वही काम करें, आपके पास फिर एक प्लॉट है, आप क्या करेंगे, मुख्तलिफ बंदे होंगे अपने पास, एक बंदा इधर खड़ा कर दें, किधर यहां पर एक गिरा लगा दें और इधर एक गिरा लगा दें। अब जो स्टूडेंट्स आपने देखना ये है, इसके कॉर्नर्स कितने बन रहे हैं आपके पास, देखें 1, 2, 3, 4 और ये 5, क्योंकि देखें ये नीचे की तरफ इधर से यहां से इसका ये एंड बन रहा है और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको फिर आप कॉर्नर कंसिडर कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको यहां पे पेंट के अंदर इसकी शेप बनाना चाहूं, अब वो मैं कैसे बनाऊंगा, तो उसके लिए अगेन मैं यहां पर आ जाता हूं। चलें पहले इस मरतबे में शेप बनाता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। मैं एक लाइन यहां पे लगाऊंगा, मैं पेंसिल ले लेता हूं, दूसरी लाइन में इधर ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं, इसको थोड़ी टेढ़ी है, तीसरी में इधर को लाऊंगा और देन मैं इसको इधर लेके जाता हूं, और मेरे पास लगभग अगर मैं इसको पेंसिल से ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये कुछ ऐसे प्लॉट बन रहा है। लेकिन अब इसकी वैल्यू कन्फर्म कर लेते हैं, मेरे पास इसकी वैल्यूज क्या आ रही हैं, आपको देखना होगा सीधी लाइन किधर है, यहाँ पर 56 फिट एंड 9 इंच है, तो अगेन आपने यहाँ पर आपने टाइप कर देना 56 फिट एंड 9 इंच। सॉरी मैं पेंट की तरह ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइपिंग करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं जस्ट ऐसे ही कर रहा हूँ, आप समझ देते जाएं। फिर आपने एक वैल्यू उठा लेनी है, मेरे पास 48, 35, 21
और ये आपने वैल्यूज ले लेनी है। अब ये वैल्यू जब देने चारों ले ली अपने पास, आप चारों को अपने पास हर तरफ इसको नोट कर लें वैल्यूज को। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर जो आपके पास कॉर्नर बन रहे हैं, अगर आप यहां पे देखें आपके पास 1 2, तो आपके पास 1 2 3 4 5 कॉर्नर्स बन रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 ये 5 कॉर्नर्स बन रहे हैं। तो अब पांचों वैल्यू तो मैंने ले ली हैं जैसे ये मेरे पास हैं, लेकिन मेरे पास डायगनल की वैल्यू होनी चाहिए। अब ये एक ऐसा शेप है जिसमें आपको एक डायगनल नहीं लेना, अब इसमें मुझे कमोपेश एक यहां से डायगनल लेना है इस लाइन का, और कोई भी आप किसी भी कॉर्नर पे खड़े हो जाए, मैं इस कॉर्नर पे खड़ा होना चाहूंगा, ठीक है। और दूसरी वैल्यू अगेन मैं यहां से ले लेता हूं, तो देखें आपने इसको यहां से ले लिया है। अब मेरे पास क्या हुआ, एक मेरे पास वैल्यू इधर है या इधर है। अगर आप इधर से करना चाहते हैं बेशक आप इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले जाएं, यानी कि अगर आप इस तरह से भी इसको कंफर्म नापना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी बीच में डायगनल लगा सकते हैं। डायगनल आपकी मर्जी होती है आप किस तरह से ले रहे हो, लेकिन लेंगे फिर उसी तरफ से तमाम के तमाम। अब मैं तमाम के तमाम इस तरफ से लूंगा डायगनल्स, तो देखता हूं कि क्या वैल्यूज बनती है। आप इधर आ जाएं, एक पॉइंट ये दे दें इसे, चले ऐसा कर लेते हैं, तो अपोजिट चले जाते हैं, एक पॉइंट ये दे देते हैं और दूसरा पॉइंट मैं इसे यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। फिर मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पर ही आएगा, इसी कॉर्नर पे आएगा, और दूसरा पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आ जाता है। ये मैंने अपोजिट इसलिए लिया है कि आपको कन्फर्म हो जाए कि हमने जो पहली शेप बनाई थी उस पर उसमें थोड़ा सा फर्क है। आप ये ना समझिएगा कि ये सेम टू सेम शेप्स बन रही हैं, ठीक है। ये मेरे पास शेप है। अब मैंने इसको अगर ड्रॉ करना है तो डिस्टेंस को मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, तो मैं इनको मूव कर देता हूं, ठीक है। इसको ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले एक लाइन लगाएंगे यहां पे ही, हम 56 फिट्स और 9 इंच की, क्योंकि मेरे पास ये जो वैल्यू है 56 फिट और 9 इंच है, तो मैं देता हूं 56 फिट्स एंड 9 इंच, ये मैंने लगा डाला। अब मेरे पास क्या करना है, मैंने इसको ये डिसाइड करना है किस तरफ लाइन लेनी है, पहले ये वाली लेनी है ये वाली लेनी है। लेकिन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपने जो डायगनल लिए है वो आपका ये बन रहा है कॉर्नर्स, तो जहां से आप डायगनल लेते हो उसके हमेशा आप अपोजिट जाओगे, समझ के बात मेरी। तो आपने इसके अपोजिट जाना है, यानी कि अब आप लेंगे 48 फिट एंड 4 इंच, आप एक लाइन उठाएंगे ऊपर की जानब, आपने सर्कल उठाएंगे, पॉइंट देंगे, रेडियस की वैल्यू होगी, वैल्यू क्या है 48 फिट एंड 4 इंच, आपने इसको वैल्यू दे देनी है। अब इसका डायगनल क्या आ रहा था, 72 फिट एंड 9 इंच, आप सर्कल उठाओ अगेन, इसी पॉइंट्स पर आ जाओ, आपसे देंगे 72 फिट एंड 9 इंच। मैं इसे जैसे इंटर कर देता हूं तो मेरे पास ये ड्रॉ हो चुका है। अब आप एक लाइन ड्रॉ करें यहां से और कोशिश करके बिल्कुल इसके कॉर्नर्स पे आ जाएंगे, ठीक है। देखिए मेरे पास ये शेप बनने जा रही है। अब आप इसकी वैल्यू उठा लें, वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट आ गई है, ठीक है। अब आप इनको डिलीट कर सकते हैं। देन अब क्या करना है, अब फिर इधर से आगे निकलना है, यहाँ से 35 फिट एंड 6 इंच, आप सर्कल उठाएं, यहाँ पे आप उठाएंगे 35 फिट एंड 6 इंच, और इसका डायगनल देख लें आपने कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया था, क्या बन रहा था 43 फिट एंड 6 इंच, आप सर्कल उठाएं यहाँ पर आ जाएं 43 फिट एंड 6 इंच, मैंने ये ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब आप इसको क्रॉस कर देंगे सीधा इसके पर, ये आपके पास बना हुआ आ चुका है। अब आप इसकी वैल्यू कन्फर्म कर लें, क्योंकि एक आधे इंच का फर्क आ जाता है कभी कभी गलत क्लिक करने से, तो ठीक है बिल्कुल परफेक्ट है जैसे पिछले एक्सरसाइज में आया था। अब वापस आप सर्कल उठाएंगे, नेक्स्ट क्या वैल्यू आ रही है आपके पास 21 फिट एंड 3 इंच, आप इधर आ जाएं, आप इसे देंगे 21 फिट एंड 3 इंच, और अगेन सर्कल उठा लेंगे यहां से और वैल्यू कन्फर्म कर लें, आपके पास क्या है 35 फिट की है, आप इसे वैल्यू देते हो 35 फिट की। अब आप एक लाइन उठा लेंगे, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा पॉइंट ये रहा, लेकिन पहले मैं वैल्यू कंफर्म करूंगा फिर मैं ये तमाम चीजें डिलीट करूंगा, क्योंकि बाद उसका क्लिक में मिस्टेक हो जाती है। 35 फिट्स है, यस 35 फिट्स है, और 21 3 है, 21 फिट्स एंड 3 फिट्स है। तो ये रही रहा स्टूडेंट्स, देखें बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास हमारी वैल्यूज निकल कर आ चुकी हैं। तो इस तरह से काम किया जाता है। अब रहा क्वेश्चन इस साइड का, ये इस तरह के प्लॉट का, ये जो प्लॉट है आपके पास, क्वेश्चन तो बनता है इस प्लॉट का। अब ये प्लॉट जो है इसका सीधा कॉर्नर मेरे पास कोई भी नहीं, हर एक टेढ़ा मेढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर आपने करना क्या है,
सिंपल आप इसको सिंपल डिवाइड कर दोगे दो हिस्सों पे। मैंने एक सीधी लाइन लगाई, ये देखिए मेरे पास अब ये दो पॉइंट्स आ चुके हैं, एक ब्लॉक और ये दूसरा पॉइंट है। पहले आपने इस अब ये जो सीधी लाइन आपके पास वो ये साइड वाली है, यानी कि जब आप ये प्लॉट बनाएंगे इसमें आपको सीधी लाइन को इस चीज को समझना होगा 72 फीट वाली को। आपके पास अब ये एक प्लॉट है और ये दूसरा प्लॉट है। पहले आप इस प्लॉट को बनाओगे कंप्लीट, फिर आप इस प्लॉट को कंप्लीट बनाएंगे, बनाने के बाद आप इनको मूव करके दोनों को एक जगह पर आकर रख देंगे। जब रखेंगे ये प्लॉट्स बिल्कुल आपके पास बिल्कुल ऐसे परफेक्ट निकल कर आ जाएगा, यानी कि शेप टू शेप सेम टू सेम ये शेप बनी हुई आ जाएगी। अब रिसर्च कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो हमारी हमने जो प्लॉटिंग की है इसकी मेजरमेंट क्या आ रही है, यानी कि जमीन की वैल्यू क्या आ रही है। तो मैं इस वैल्यू को डिलीट कर देता हूं, बल्कि ऊपर तो ये है कंट्रोल एस जो मैंने बनाई है, मैं यहां पर आ जाता हूं, इसको देख लेता हूं, ये मेरे पास है। ठीक है, अब सबसे पहले हम मुझे कंफर्म करना है ये मेरे पास कितने स्क्वायर फीट्स में है, कितने इसके लेंथ है, क्या है, क्या कुछ है। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, आपके पास एक शॉर्टकट की है जो कि अपने कीबोर्ड से इसके लिए शॉर्टकट की प्रेस करेंगे जो कि है डबल ए। डबल ए से क्या होता है, आपके पास एरिया की ऑप्शन निकल कर आती है। देखें मैंने डबल ए लगाया, इंटर कर दिया। तो अब क्या करना है आपको, एक पॉइंट देना है क्योंकि आपके पास एरिया की ऑप्शन आ चुकी है, कहता है फर्स्ट कॉर्नर डिफाइन करें, तो मैंने क्लिक कर दिया। देन सेकेंड कॉर्नर, थर्ड, फोर्थ एंड फाइनल कॉर्नर, अब तमाम कॉर्नर हो चुके हैं, एंटर कर दें। जैसे मैंने इसको एंटर किया मेरे पास एरिया निकल कर आ जाएगा इतना, और मेरे पास इन स्क्वेयर फिट्स वैल्यू आ जाएगी इतना, और मेरे पास पैरामीटर्स के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी इतना। अब आपको क्या वैल्यू चाहिए, अब ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ भी हम स्क्वेयर फिट्स की वैल्यू उठाते हैं। कंट्रोल सी किया मैंने इसको, अब कैलकुलेटर में जाएंगे, सी ए एल, सी ए एल एंटर करने से आपके पास कैलकुलेटर आ जाता है। यहाँ पर आप वो वैल्यू पेस्ट कर दें, सॉरी मैं उस वैल्यू को भूल गया हूँ, F2 प्रेस कर दें तो तमाम वापस आपके पास ये विंडो निकल आएगी। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कैलकुलेटर के अंदर आके मैंने पेस्ट किया, उसको मैं डिवाइडेड बाय 272, क्योंकि हम जहाँ पे हैं जिस हालांकि इसमें बिलोंग करता हूँ यहाँ पे जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं वो हम लोग मरला और किनाल्स के ऊपर रहकर करते हैं, यानी कि एक मरले में क्या होता है 272 स्क्वायर फीट्स होते हैं और एक किनाल में कितने मरले होते हैं 20 मरले होते हैं, हम लोग इस फॉर्मूले को लेके जाते हैं। बहरहाल ये हर एक एरिया के मुताबिक होगा, लेकिन मैंने आपको एरिया निकालना बताना है। जैसे आप इसे एंटर कर देते हो तो देखिए मेरे पास वैल्यू आ रही है 8.80, मीन्स कि ये मेरे पास नियर अबाउट 9 मरलास के अंदर ये प्लॉट है, 9 मरले का ये प्लॉट है मेरे पास। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास ज्यादा कॉर्नर्स आ जाते हैं, अब जैसे देखिए मेरे पास ये बहुत ज्यादा कॉर्नर है इस प्लॉट के, अब इसकी मैं मेजरमेंट कैसे निकालूंगा, इसकी मेजरमेंट कैसे निकाली जाती है, तो इसके लिए आपको क्या करते हैं, आप इसको रीजाइन कर दें या बाउंड्री कर दें। तो मैं इसको BOR में इसको ड्रॉ के अंदर गया और बाउंड्री के ऑप्शन उठा लेता हूं, इसको मैंने पिक पॉइंट दे देना है मिड के अंदर, एंटर करता हूं, क्या होगा तमाम लाइनें मेरे पास एक हो जाएंगी। अब अगेन आप डबल एंटर करें और यहां पर ऑप्शन क्या है, ऑब्जेक्ट ओ एंटर कर दें। आपने ओ एंटर किया, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको तमाम वैल्यूज यहां पर निकाल कर बता देगा। अगेन मैंने ये वैल्यू कॉपी कर देनी है, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी, ये अगर आप याद रख सकते हैं, और अगेन सी ए एल कैलकुलेटर डिवाइडेड बाय 272 एंटर कर दें। तो अब मेरे पास ये जो आ रहा है, मेरे पास ये एक किनाल और दो मरले का ये मेरे पास प्लॉट बना हुआ आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था मेथड जो मैंने आपको बताना था, अपनी तरफ से मैंने बहुत बेस्ट ट्राई की है आपको समझाने की, बहुत ही ये लेंथी है काम, क्योंकि यही वो काम है ऑटोकैड के अंदर जो आपको सीखेंगे, जो आपको करना आएगा, तो फिर आप अपने कस्टमर के लिए, अपने जानने वालों के लिए, अपने लिए आप प्लॉट डिजाइन कर सकते हो। अगर आपसे प्लॉट ही नहीं निकाला जा रहा, आपसे उसके एक चीज की मेजरमेंट ही नहीं हो रही, तो फिर आप कैसे प्लॉट बनाओगे, क्योंकि प्लॉट हमारे पास जो आते हैं वो हमेशा ऐसे टेढ़े मेढ़े प्लॉट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फाइल आप बिल्कुल अपने वीडियोस के नीचे देखें, डाउनलोड का बटन बना होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करें,
ये फाइल्स आपके पास डाउनलोड के सामने आ जाएगी। यही प्लॉट हैं, इनको आप दोबारा से बनाने की कोशिश करें, आप इनके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करें, और जब ये प्लॉट्स बन जाएं तो फिर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करें। ये नहीं कि अपने किसी दोस्त का, अपने दाएं बाएं मोहल्ले में कोई भी प्लॉट जो है उसको अपना अपनी कोशिश करें और ना कि फिर उसको अपने ड्रॉ करने की कोशिश करें। तो डियर स्टूडेंट्स, मजीद मालूम और अपडेट के लिए प्लीज़ आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको एक्सपी अकेडमी की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप हमें हेल्पलाइन पर किसी भी वक्त किसी भी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 03-4390-1777-9 पर। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी बताता चलूँ, xpacademy.com वालों ने आपके लिए एक दो DVDs तैयार की हैं, जिसमें एक आपके पास मैप कलेक्शन है। मैप से मुराद मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपके पास मैप क्या चीज़ें होती हैं, सेक्शन क्या है, एलिवेशन क्या है, ये तमाम ऑब्जेक्ट्स के अंदर पड़े हुए हैं, इवन की प्लॉटिंग भी इसके अंदर डली हुई है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो दूसरी DVDs हैं दो, उसके अंदर आपको बताया गया है AutoCAD A to Z कैसे यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकली। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन फिर मिलते हैं, उस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा।